भाई मैं आपको ये कहानी सुनाऊं। ये कहानी दो बच्चों की है जो गाँव में रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उनसे आपस में बहुत प्यार था। तो एक दफ़ा जितर है वो गाँव से बहुत दूर चले गए और खेलते खेलते जो बड़ा वाला दोस्त था वो चूहे में गिर गया। वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। जो छोटा वाला था उसने जब चूहे में देखा वो बहुत हैरान हुआ, वो परेशान भी हुआ कि मेरा दोस्त चूहे में गिर गया। उसने यहाँ वहाँ देखा, उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस तरह वो अपने दोस्त को बचा सके। जब उसने अपने सर में देखा, सर में एक बाल्टी पड़ी हुई थी, उसने अपने एक सच में जहर नहीं किया और बाल्टी तो पदर दर चूहे में फेंक दिया और अपने दोस्त को कहा कि जल्दी से पदर बाहर आ जाओ। उसके बड़े दोस्त ने पतरा और छोटा बच्चा पूरी जान चाहते उस बाल्टी को बाहर निकाल रहा। जब वो इस काम पर कामयाब हो गया तो दोनों जले मिले, बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा उनके चेहरों में मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्हें जले मिले, प्यार किया या दूसरे तो। लेकिन दूसरी तरफ उनको एक बहुत परेशानी भी हो रही थी कि डाउन जाएँ दे और हमें लोग हमारे जो वालदैन हैं वो मारें दे या डांटे थे हमें। लेकिन बहुत डिफरेंट हुआ जब वो डाउन गए, उन्होंने सारा किस्सा बताया लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। डाउन उन्होंने कहा थे यह छोटा बच्चा जो पानी तक की बाल्टी नहीं उठा सकता तो वो इस बच्चे को कैसे पढ़ लेगा। किसी ने उस तक यकीन नहीं किया। जब वहाँ एक बाबा जी होते थे रहीम बाबा, सारे डाउन वाले उनके पास गए और उनसे सारा किस्सा सुनाया तो रहीम बाबा हंसने लग गए। तो रही मामा तो उन्होंने पूछा थे सर हम ये बताएं तो ये उसने मतलब इतना सारा सीन है। तो उन्होंने कहते ये बच्चा बता दो, उसका दोस्त दीरा उन्हें बाल्टी पहनती और ऊपर ले आया, इसने पूछ मुझे क्या बात है। तो फिर सारे दोस्तों ने पूछा तो रही बाबा बात सवाल ये नहीं है तो ये उसने कैसे दिया, सवाल ये है तो ये उसने क्यों दिया। तो तब रहीम बाबा ने बताया जब वो अपने दोस्तों पर चींच रहा था तब उस वक्त उससे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे ये बता सकता कि ये तू नहीं चल सकता। ये कहानी मेरे दिल से बहुत करीब है। मुझे गैर मामूली बीमारी है और मुझे माहिर डॉक्टरों ने मुझे मेरा इलाज किया है लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो मुझे बहुत अजीब और गरीब नामों से मुझे पचारा गया था। बच्चों ने मुझे बहुत अजीब अजीब नाम मुझे मेरे पढ़ा दिए थे, या वो बच्चा ये बच्चा। लेकिन मुझे जब लोग देखते थे उन तो ये अंदाज़ा नहीं था, वो सोचते थे कि ये इंसान तभी तरीम हासिल नहीं कर पाएगा, ये इंसान तभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये इंसान तभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और अब मैं उनको प्रूव कर रहा हूँ कि मैं कामयाब इंसान बन रहा हूँ क्योंकि अपनी हिम्मत होती है। मुझे मेरे वालदैन ने यह सिखाया था जो इंसान अदर इंसान तो जो मर्जी चाहे उसका जवाब समाए से दो। तो मैं हर बात जो मुझे जो बंदा इंसान मुझे अजीब अजीब देता है अल्फाज देता है तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता, मैं अपने पेरेंट्स की बातें अपने जहन में लाता और उनसे समाए पेश चलता हूँ। बस मेरे जिंदगी जानने थे कुछ असूल मैंने बनाए थे और चार असूल थे उनमें से। पहला असूल ये थे हम लोग मजदूर नहीं होते, अलबत्ता हमें माशरा मजदूर बना देता है। अगर हमें भी उसी कहानी जैसे बच्चे की तरह ये तुमने बताए तो यार ये तुम नहीं चल सकते तो आप अंदाज़ा भी नहीं चल सकते कि हम क्या तुझे अचीव कर लेंगे। मेरी जिंदगी का दूसरा असूल हम अपनी सलाहियतें और अपना जिसम खुद इस्तेमाल करना सीखते हैं। हमें कोई नहीं सताता थे आपने ये चढ़ना अब ये चढ़ना या ये चढ़ना आपने। माँ अपने बच्चे तो सिर्फ सताती है लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताती थी बेटा आपने एक कदम के ऊपर एक कदम चलना आपने या आपने ऐसे चलना या आप ये चढ़ना है। अलबत्ता बच्चा खुद सीखता है कि मैंने कैसे चलना है, मैंने कैसे आगे बढ़ना है।
और हमें तभी भी हमें डिसेबल चाहने तो मतलब फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए हमें डिसेबल लोगों तो कहना चाहिए हम लोग डिसेबल हैं या डिसेबल तो अपनी मजबूरी ना बनाएं। आप जब भी मतलब लोग जाते हैं और जो भी व्हीलचेयर लोग इंसान आता है तो उसे बोल देते हैं तो ये डिसेबल है इससे जाने दें, तो ये बंदा मजबूर है इसे आप जाने दें। तो अपने आप तो इतना मजबूत बनाते हैं लोग आप तो आप जो डिसेबिलिटी मत देते हैं वो लोग देते हैं तो आपसे जो अंदर जो छुपा हुआ उससे बाहर चलें और लोग अंदर जो छुपा हुआ उसको आप देते वो आप तो मतलब आप तो ओनरशिप दें या आप तो जो चाहें वो दें। मेरे पेरेंट मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा जब तुम डिफरेंट पैदा हुए हो ये अल्लाह की नेमत है, जो लोग जो बोलते हैं लोग बोलते रहे क्योंकि उनका चाहवा बोलना। मैं जिंदगी का आखिरी जो असूल है वो ये कि जो जिंदगी है वो पैंती तरह है और जो वक्त है वो उसकी इंच, पैं चलता चला जा रहा है उसकी जो इंच है खत्म होती जा रही है, मैं जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है और जो उसकी जो वक्त है हमारा वो कम होता जा रहा है। आप जो पेन से लिख रहे हैं जो इंच तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी आत्मल वो ये जाहिर करती है कि आप उससे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी मायूसी जाहिर करती है या आपकी वो कामयाबी की दास्तान सुनाती है। ये भी दीदे चार असूल थे, इन चारों असूलों तो मैंने अपने माया बढ़ाए थे, मैंने इन असूलों से मैंने आगे बढ़ना मैंने और अलहम्दुलिल्लाह मैं आगे मैं बढ़ रहा हूँ आता तभी इतना मैं नहीं बढ़ा रहा अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा है मुझे। मेरी जिंदगी ये असूल बताया था भाई, ये मसला ये था कि मैं अपने आप तो आप लोगों तो अपना अपनी जो मेरा कामयाबी का राज है वो आप तो बता सकूँ। आज हम एक अहद लेते हैं तो अगर किसी भी नए इंसान से हम मिले किसी भी नए शख्स से हम मिलें तो आप उसको यह देते ये इंसान कैसा है या ये इसका जाहिर कैसा है इसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो सही है या डिसेबल है। आप ये देते देखें जो उसका अल्लाह ने जो जिस्म दिया है उसने उस जिस्म को कैसे इस्तेमाल किया। और आज लेट्स एट जो हमारा थीम है उसके मुताबिक अगर हम अपने आप को चेंज कर लें तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और मेरा लास्ट मैसेज ये हो जाए छोटा सा, बी टाइम टू योर सेल्फ, आई रिपीट अगेन, ये बहुत बड़े अल्फाज हैं, बी टाइम टू योर सेल्फ, वेन एवर यू आर टाइम टू योर सेल्फ देन ओनली यू कैन बी टाइम टू अदर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।